आज मैं आप सभी के साथ एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसका टेस्ट काफी डिफरेंट है और आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो इसे बनाने के लिए मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है, उसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 चम्मच दही डाला है, ध्यान रहे कि दही थोड़ी गाढ़ी हो, फिर 1 चम्मच खाने वाला विनेगर डाला है, आप चाहे तो नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही 1 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चुटकी येलो फूड कलर, आप चाहे तो फूड कलर स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इससे चिकन का कलर अच्छा आता है। अब इन सबको अच्छे से मिला लेना है और तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर देना है, आप चाहे तो आधे घंटे के लिए भी कर सकते हैं। अब एक पैन में 4 चम्मच के करीब तेल डालेंगे और 3 चम्मच बटर, फिर इसमें 1 प्याज को स्लाइस करके डालेंगे और इसे 1 मिनट के लिए सॉफ्ट होने तक पका लेंगे, साथ ही इसमें 3 इलायची डालेंगे और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 3 हरी मिर्च डालेंगे और 1 लाल मिर्च डालेंगे, फिर इसमें 4 टमाटर को काट कर डालेंगे और इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 15 काजू को डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिलाकर आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालकर इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें 1 मुट्ठी के करीब हरा धनिया डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिलाकर ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे जिससे कि ये टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो चुका है तो अब हम इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इन सबको भी अच्छे से भून लेंगे। इसे सिर्फ 5 मिनट भूनने के बाद इसे निकाल लेना है और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब हम उसी पैन में 3 से 4 चम्मच ऑयल डालेंगे और उसमें अपने चिकन को अरेंज कर देंगे। चिकन को मसाले के साथ पैन में नहीं डालना है और ना ही उसे फेंकना है, वो मसाला हम ग्रेवी में इस्तेमाल कर लेंगे। अब इन सब चिकन को अच्छे से अरेंज करके ढककर हमें 5 मिनट के लिए पकाना है और 5 मिनट बाद इसके साइड्स को टर्न कर देना है और फिर से इसे ढककर 5 से 7 मिनट के लिए और पकाना है। अब दही और चिकन अपना पानी छोड़ चुका है तो अब हम इसके पानी को ड्राई कर लेंगे। जब तक कि ये पानी ड्राई हो रहा है तब तक हम अपने टमाटर प्याज के मसाले को पीस लेंगे। इसे हम अपने मिक्सिंग ग्राइंडर में डालेंगे, साथ ही 5 चम्मच के करीब पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ हमारा चिकन भी ड्राई हो चुका है तो हम एक एक करके सारे चिकन को निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में अपने ग्रेवी को डाल देंगे। इसे 2-3 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद मिक्सिंग ग्राइंडर में आधा कप पानी डालकर इसमें डाल देंगे, नहीं तो उसमें काफी मसाला बेकार जाएगा। अब हमने जो चिकन का मसाला को साइड करके रखा था उसे भी डाल देंगे और इन सबको अच्छे से भून लेंगे। अब हम अपने चिकन को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए ग्रिल नेट पर चिकन को रखकर दोनों साइडों से ग्रिल कर लेंगे। आपके पास अगर ग्रिल नेट नहीं है तो आप इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुन भी दे सकते हैं। ये देखिए ये कितना अच्छा इसमें कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल कर साइड में रख देंगे और हम जो ग्रेवी तैयार कर रहे हैं उसमें 1 से 2 चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे और इन सबको अच्छे से भूनकर 1 चम्मच बटर डालेंगे, साथ ही आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें अपने चिकन को डाल देंगे, चिकन को डालकर इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच दूध के ऊपर की मलाई या फ्रेश क्रीम डालेंगे, मैं थोड़ा बाहर की फ्रेश क्रीम अवॉइड करती हूँ। अब हम आखिर में इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी को घस के डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिलाकर ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। बटर चिकन के साथ तो हमेशा बटर नान ही अच्छा लगता है। मेरा भाई जब इसे खाया तो वो कहने लगा कि आप ही इसका टेस्ट तो हमारे बगल वाले रेस्टोरेंट के बटर चिकन से भी अच्छा है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ट्राई करके जरूर बताइएगा।